हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद रीमा। और मैं हूँ रीमा। सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, मैंने ये कलरफुल सा मेकअप लुक क्रिएट किया है, आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। सो इसे मैंने बहुत ईजी वे में क्रिएट किया, आप भी बहुत ईजी वे में क्रिएट कर लोगे अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करोगे तो। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सो गाइज, स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो कि मैंने ये इतना प्यारा सा लुक कैसे अचीव किया है। सो गाइज, यहाँ मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ, ब्लैक और ब्राउन शेड लेकर के मैं अपने आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी बहुत आराम आराम से। और मेरी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा डार्क हैं तो मैं बहुत ज़्यादा फिल नहीं करूँगी, बस उतना ही फिल करूँगी जितना मुझे नीड है। सो आप देख सकते हो, उसके बाद मैं अपनी एजेस को क्लीन करते हुए आई बेस क्रिएट करूँगी। यहाँ मैंने मेबेलिन का कंसीलर यूज़ किया है और इसको अच्छे से स्प्रेड करूँगी। उसके बाद एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैं कंसीलर को सेट करने के लिए लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मैंने लैक्मे का लूज़ पाउडर यूज़ किया, ये बहुत अच्छा लूज़ पाउडर है अफोर्डेबल प्राइस में। उसके बाद मैंने ये मेकअप रेवोल्यूशन के पैलेट से ये येलो शेड लेकर के अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई किया है। आप देख सकते हो कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि ताकि आप अच्छे से देख भी लो और लंबी वीडियो ना हो इसलिए। उसके बाद मैं ये थोड़ा ऑरेंजी शेड है, बट ये कैमरे पे अजीब सा कलर दिख रहा है, बट ये ऑरेंज कलर था। और उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर लेकर के एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने क्रीज लाइन के थोड़ा सा नीचे अप्लाई किया है ताकि डेप्थ देने के लिए आईज़ को, ताकि थोड़ा सा और डार्क हो जाए। उसके बाद मैं एक फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश ले रही हूँ, क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश, और सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद मैंने ये पर्पल शेड लिया है और इसे मैं उसी ऑरेंज शेड के ऊपर ही अप्लाई करूँगी। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग कट क्रीज करने वाले हैं, इस वजह से मैं थोड़ा इसको डार्क करूँगी ताकि जो पर्पल शेड है वो निखर के आए इस वजह से। उसके बाद मैं यहाँ कट क्रीज कर रही हूँ, वन थर्ड तक मैं कट क्रीज करूँगी, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं करना है। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ कट क्रीज कर रही हूँ और आईज को ऊपर करके जो क्रीज का लाइन है वो देख रही हूँ कि वो कहाँ तक जाएगा। सो आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये टर्कोइस शेड लिया है और इससे अपने वन थर्ड पर मैं अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है और ये पैलेट बहुत ही अच्छा है, मुझे थोड़ा कॉस्टली पड़ा बट मतलब वर्थ इट है ये पैलेट। और ये पैलेट उसी दिन आया था जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी, तो उसी दिन आया था और मुझसे रहा नहीं गया, मैंने इसे यूज़ कर लिया। इस पैलेट को बहुत ही अच्छा पैलेट है, अगर आप चाहो, अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर इस पैलेट को बाय कर सकते हो। ये 999 या आपको 1200 में मिल जाएगा नायका पे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। सो आप देख सकते हो मैं कितने अच्छे से टर्कोइस ये शेड लेकर के लगा रही हूँ। उसके बाद जो पर्पल शेड की लाइन थी मतलब वो थोड़ा फेड हो गया था, तो मैंने पर्पल शेड को एक उसी कंसीलर वाले ब्रश पे लेकर के अच्छे से लगाया है। उसके बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे ये ब्लू शेड लेकर के लगाया है, ये SFR के पैलेट से मैंने लिया था, मुझे डार्क ब्लू शेड चाहिए था इसलिए मैंने SFR का पैलेट यूज़ किया। उसके बाद मैं ये वाला शेड लेकर के ये NK का ये शेड मैंने अपने वन थर्ड पे लगाया ताकि थोड़ा सा शिमर ऐड हो और जो शेड है वो खिल के आए इस वजह से। आप देख सकते हो मैं दोनों पे लगा रही हूँ, दोनों आईज पे लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने एक वेट वाइप्स लेकर के अपना पूरा फेस क्लीन किया, वैसे तो कोई भी फॉल आउट नहीं था बट मैंने फिर भी अपना फेस पूरा क्लीन किया। और यहाँ मैंने मार्स का प्राइमर यूज़ किया था, तो प्राइमर मैं अच्छे से अपने पूरे स्किन पर लगा रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन यूज़ किया है, यहाँ मेरा शेड 128 है, तो मैं अच्छे से डॉट डॉट करके अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। उसके बाद एक
डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ कंसीलर अप्लाई किया है, यहाँ मैंने मेबलिन का ही कंसीलर अप्लाई किया है और मैं अच्छे से डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही यहाँ पे सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ मिस क्लेयर का लूज़ पाउडर लेकर के अच्छे से सब बेकिंग कर लिया है। और मैंने शुरुआत में भी मिस क्लेयर का ही लूज़ पाउडर यूज़ किया था, मैंने गलती से लैक्मे बोल दिया तो उसके लिए सॉरी। 30 सेकेंड बाद मैं सब कुछ अच्छे से डस्ट ऑफ कर दूंगी और जो स्किन में रह जाएगा उसे अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइस, आज मैंने कोई भी क्रीम कॉन्टोर नहीं किया है, मैंने पाउडर कॉन्टोर किया है। पाउडर कॉन्टोर के लिए मैंने आज SFR का पैलेट यूज़ किया है, उसमें से कॉन्टोर सेट लेकर के मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी। उसके बाद उसी पैलेट में से डार्क पिंक शेड लेकर के मैं अच्छे से ब्लश अप्लाई कर लूँगी और उसके बाद मैं उसी पैलेट में से हाईलाइटिंग शेड लेकर के एज अ हाईलाइटर भी यूज़ करूँगी। उसके बाद लोअर लैश लाइन पे मैं डार्क पर्पल शेड लेकर के अप्लाई करूँगी और उसे हल्के से ऑरेंज शेड के साथ ब्लेंड करूँगी। उसके बाद मैं अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करूँगी। यहाँ मैंने अपने वाटर लाइन पे काजल अप्लाई किया है और यहाँ काजल के लिए मैंने प्लम का काजल यूज़ किया है। उसके बाद मैं मेबलिन का मस्करा अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ नायका की लिपस्टिक यूज़ की है, ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक है। मैं इसका लिंक ज़रूर से दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसके ऊपर मैंने लैक्मे की लिपस्टिक लगाई है न्यूड शेड, थोड़ा बैलेंस आउट करने के लिए। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को बड़ा सा लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।